नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। और न्यूज वर्ल्ड इंडिया की तरफ से आपको गणतंत्र दिवस और इसके साथ ही बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। गणतंत्र दिवस परेड को सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और इसमें देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और एक अनूठा मिश्रण दिखेगा जो देश की बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं, नारी शक्ति और एक न्यू इंडिया की झलक दिखलाएगा। परेड की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाने के साथ होगी और पीएम मोदी यहां शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। भारत आज 26 जनवरी को 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड होगी और इससे पहले इस जगह को राजपथ के नाम से जाना जाता था। इस परेड में न्यू इंडिया की झलक दिखेगी और इसके साथ ही स्वदेशी सैन्य पराक्रम और नारी शक्ति का प्रदर्शन होगा। राज्य की झांकियों में सांस्कृतिक विविधता दिखेगी और साथ ही वायुसेना के 50 विमान पराक्रम दिखाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पद से राष्ट्र का नेतृत्व करेंगी और इस बार गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट कर गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दे दी हैं। उन्होंने कहा है कि आज हम उन मनीषियों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी और एक प्रेरक और मार्गदर्शन संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन विभूतियों का भी अभिनंदन करते हैं जो संविधान भावना को मशक्कत करते हुए राष्ट्र निर्माण में सहभागी हैं और देश समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक प्रगति और मजबूत आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को दर्शाती राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 17 और कई मंत्रालय और विभागों से 6 झांकियां भी कर्तव्य पथ पर चलेंगी और भारतीय वायुसेना की टुकड़ी के ही स्क्वाड लीडर सिंधु रेड्डी के नेतृत्व में 144 वायु सैनिक और 4 अधिकारी शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि लगातार हम जानकारी दे रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आज देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। वायुसेना की झांकी की बात करें तो वायुसेना की झांकी सीमाओं से परे भारतीय वायुसेना की शक्ति विषय पर तैनात की गई है जो एक घूमते हुए ग्लोब को दिखेगी और ये भारतीय वायुसेना की पहुंच को उजागर करेगी। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-11 और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर परचंट एयरबोर्न अली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट एंड C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी प्रदर्शित करेगा। झांकी में लेजर डेजिग्नेशन और उपकरण और विशेषज्ञ हथियारों के साथ लड़ाकू गियर में गरुड़ की एक टीम भी प्रदर्शित की जाएगी और भारतीय नौसेना दल में 144 युवा नाविक शामिल होंगे जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत कंजीजेंट और इसके साथ ही कमांडर करेंगे और मार्च करने वाली टुकड़ी में पहली 3 बार महिलाएं और 6 अग्निवीर शामिल हैं और इसके बाद ही नौसेना की झांकी होगी जिसे इंडियन नेवी कॉम्बैक रेडी और क्रेडिबल कोहेसिव एंड फ्यूचर प्रूफ थीम पर ही डिजाइन किया गया है और ये भारतीय नौसेना की बहुआयामी क्षमताओं, नारी शक्ति और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्वदेशी रूप से डिजाइन उपकरणों को प्रदर्शित करेगा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और समारोह के चलते कई रास्तों को बंद कर दिया गया है और इसके साथ ही कई रूट्स डाइवर्जर्ट भी किए गए हैं। बता दें आपको, कई रूटों में बदलाव किया गया है। इसके अलावा मेट्रो सेवा पर भी असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली मेट्रो DMRC ने ही इसके लिए खास इंतजाम किए हैं। वहीं एक बार इस बार फिर से गणतंत्र दिवस पर परेड के अलावा लाल किले पर भारत पर्व की आयोजित होने जा रहा है और ये पर्व 26 से 31 जनवरी तक चलेगा। तो बता दें आपको कि इसकी वजह से भी कुछ रास्ते में बदलाव किया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक गणतंत्र दिवस की परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होगी और लाल किले की ओर बढ़ेगी। ये परेड कर्तव्य पथ और सी
हेक्सागन, सुभाष चंद्र बोस और गोल चक्कर, तिलक मार्ग और बहादुर शाह, जफर मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग और लाल किले से होकर गुजरेगी और इसके चलते ही आज परेड खत्म होने तक कर्तव्य पथ पर विजय चौक से इंडिया गेट तक किसी भी तरह के ट्रैफिक की अनुमति नहीं दी जाएगी। वही रफी मार्ग, जनपद मार्ग और सिंह रोड और कर्तव्य पथ पर कोई क्रॉस ट्रैफिक नहीं होगा। इसके अलावा भी सी हेक्सागन इंडिया गेट सुबह 9:15 से ही परेड के तिलक मार्ग पार करने तक यातायात के लिए बंद रहा और सुबह 10:30 से तिलक मार्ग, बहादुर शाह, जफर मार्ग और सुभाष मार्ग पर दोनों दिशाओं से यातायात की अनुमति नहीं होगी। एडवाइजरी में कहा गया है कि परेड की आवाजाही के आधार पर ही क्रॉस ट्रैफिक की अनुमति दी जाएगी। एडवाइजरी में कहा गया है कि मंदिर मार्ग की ओर जाने के लिए यात्री मदर लोधी रोड, टी पॉइंट से अरबिंदो मार्ग, एब्स चौक और रिंग रोड, ढोला कुआं, वंदे मातरम मार्ग, शंकर रोड से जा सकते हैं और दक्षिण दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्री ढोला कुआं और वंदे मातरम मार्ग और इसके साथ ही पंचकुइया रोड, कनॉट प्लेस और आउटर सर्कल, पहाड़गंज की तरफ यहाँ से जा सकते हैं बताया जा रहा है। और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि पूर्वी दिल्ली से ही ISBT पुल और रानी झांसी फ्लाईओवर, झंडे बलान और इसके साथ ही गोल चक्कर, DB गुप्ता रोड, शीला सिनेमा रोड और पहाड़गंज ब्रिज रोड होते हुए बुलेवार्ड रोड से जा सकते हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच सकते हैं और दक्षिण दिल्ली से ही पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए लोग रिंग रोड, आश्रम चौक और इसके साथ ही आपको बता दें कि सराय काले खां, राजघाट चौक, यमुना बाजार, SP मुखर्जी मार्ग और छत्ता रेल और इसके साथ ही कोरिया ब्रिज से ले सकते हैं ऑटो। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि पर्यटन मंत्रालय भारत के ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत पर्व का आयोजन कर रहा है और ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक दिल्ली गेट, हनुमान मंदिर, छत्ता रेल चौक और शांति वन और टी पॉइंट, सुभाष मार्ग और GPO से ही ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा और वहीं नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राजमार्ग, लोथिया रोड से छता रेल, श्याम प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर ही यातायात प्रतिबंध नियमन यानी कि डाइवर्जन लगाया जा सकता है। बताते चले आपको कि भारत पर्व के दौरान ही 15 अगस्त पार्क और इसके साथ ही माधवदास पार्क में फूड कोर्ट और हैंडीक्राफ्ट का स्टॉल भी लगाए जाएंगे और आम जनता के लिए 15 अगस्त मार्ग पर लाल किले पर झांकियां भी रखी जाएंगी और VIP भी यहां पर आने वाले हैं। इसके अलावा DMRC द्वारा भी खास इंतजाम किया गया है, इन मेट्रो स्टेशनों पर नहीं होगी और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि एंट्री एग्जिट मेट्रो रेल सेवा गुरुवार को ही गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सभी मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी। हालांकि केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन पर बोर्डिंग, डी बोर्डिंग केवल आमंत्रित या टिकट धारकों को सुबह 5:00 से दोपहर 2:00 तक करने की अनुमति होगी और वहीं पर DMRC ने बताया है कि 26 जनवरी दोपहर 2:00 तक गणतंत्र दिवस में ही सुरक्षा के व्यवस्था के चलते मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग बंद रहेगी। मिश्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी का राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बागची ने ही ट्वीट किया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मिश्र के राष्ट्रपति अल सीसी का पारंपरिक स्वागत किया है। मिश्र के ही राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। ये पहला मौका है जब मिश्र के ही राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है और गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोका रोड पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और इसके साथ ही आपको बता दें कि कॉपरनिक्स मार्ग पर भी सुरक्षा व्यवस्था टाइट की गई है और गणतंत्र दिवस परेड के दौरान करीब 6,000 जवानों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल और NSG शामिल है। बता दें आपको कि साथ ही 150 CCTV कैमरों से कर्तव्य पथ की निगरानी की जाएगी। परेड रूट के आसपास जितनी भी ऊंची इमारतें हैं उन्हें
25 जनवरी की शाम से ही बंद कर दिया गया है और 74वें गणतंत्र दिवस परेड खास होने वाला है और गणतंत्र दिवस परेड में कुल 23 झांकियां देखने को मिलेंगी। बड़ी बात यह है कि सभी झांकियों की थीम भी अलग अलग होगी। इसमें से ज्यादातर झांकियों की थीम नारी सशक्तिकरण को लेकर होगी। इनमें 17 झांकियां देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होगी और आपको बता दें कि 6 अलग सरकारी मंत्रालय और विभागों की होगी। और आज परेड के दौरान ही बताया जा रहा है कि स्वदेशी का संदेश देते हुए मेड इन इंडिया हथियारों पर अहम फोकस होगा और 21 बंदूकों की सलामी भी भारत में बनी 105 mm की इंडियन फील्ड गन्स से दी जाएगी। इसमें भारत निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम और आकाश आर्मी लॉन्चर समेत नाग मिसाइल सिस्टम और K-9 ब्रज आर्टिलरी गन और अर्जुन मार्ग 1 टैंक और BMP-2 सार्क शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम, मोबाइल सिक्योरिटी सिस्टम और क्वीन एक्शन टीम व्हीकल की ताकत देखने को मिलेगी। गुरुवार को ही भारत अपना, बता दें आपको कि आज भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस साल मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और उनके साथ 5 मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आएगा। भारत और मिस्र इस साल ही राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष मना रहे हैं और इसके पहले बुधवार को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया और राष्ट्रपति ने 74वें गणतंत्र के देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि देश की गौरव गाथा पर हर नागरिक को गर्व है। उन्होंने कहा कि हम सब एक ही हैं और हम सभी एक ही हैं और इतने सारे पंथों और इतनी भाषाओं ने हमें विभाजित नहीं किया बल्कि जोड़ा है। और गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर पहली परेड होगी, इसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केवल वैलिड पास और इसके साथ ही टिकट वाले ही परेड देख सकेंगे। QR कोड से ही परेड देखने वालों की एंट्री होगी। सुरक्षा में भी इसको लेकर कहा जा रहा है कि फोर्स और इसके साथ ही NSG और 6000 जवान परेड की सुरक्षा के लिए तैनात होंगे। कर्तव्य पथ पर 150 CCTV कैमरों से नजर रखी जाएगी। सुरक्षा को देखते हुए ही परेड वाले रूट पर सुबह 4 बजे से ही आम वाहनों की एंट्री बंद कर दी जाए और दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री रात से ही बंद है। 15 फरवरी तक ही राजधानी दिल्ली में धारा 144 लागू रहेगी। 15 फरवरी तक ही इलाके में ड्रोन और हवाई चीजों पर बताया जा रहा है कि बैन रहेगा। तो आपको बता दें पूरा देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है, खुशियों के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 74वें बताया जा रहा है कि इसको लेकर सैन्य ताकत और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया जाएगा। 90 मिनट की परेड होगी, 23 झांकियां होंगी, ये जानकारी सामने आ रही है। तो लगातार गणतंत्र दिवस का सभी को इंतजार था जो आज, बता दें आपको कि भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस साल ही मिस्र के राष्ट्रपति भी अब्देल फतह अल सीसी गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे और उनके साथ 5 मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आएगा। भारत और मिस्र इस साल ही राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष मना रहे हैं और इसके पहले बुधवार को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित किया था और राष्ट्रपति ने 74वें गणतंत्र की देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि देश की गौरव गाथा पर हर नागरिक को गर्व है। उन्होंने कहा कि हम सब एक ही हैं और हम सभी एक ही हैं और इतने सारे पंथों और इतनी भाषाओं ने हमें अलग नहीं किया है बल्कि जोड़ा है। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर पहली परेड होगी और इसे लेकर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम देखे जा रहे हैं। अगर सुरक्षा की बात करें तो केवल वैलिड पास और टिकट वाले ही परेड में देख सकेंगे और QR कोड से ही परेड देखने वालों की एंट्री होगी। सुरक्षा में भी इसको लेकर फोर्स NSG 6000 जवान परेड की सुरक्षा में तैनात होंगे। कर्तव्य पथ पर 150 CCTV कैमरों से नजर रखी जाएगी और सुरक्षा को देखते हुए परेड वाले रूट पर सुबह 4 बजे से ही आम वाहनों की एंट्री बंद कर दी गई है और दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री रात से ही बंद कर दी गई है। 15 फरवरी तक राजधानी दिल्ली में धारा 144 लागू रहेगी और 15 फरवरी तक ही इलाके में ड्रोन और हवाई चीजों पर बैन भी रहेगा।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।